हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है ई सोल वीज़ा इन यूके का। इसकी रियलिटी क्या है, इसके बारे में बहुत सारे भाइयों ने क्वेश्चंस किए, इंस्टाग्राम पर मैसेज किए, यूट्यूब पर भी बहुत सारे भाइयों ने मैसेज किए। उन्होंने बोला कि भाई हमें ई सोल के बारे में बता दें। ये यूके के अंदर जो वीज़ा है इस वक्त बहुत एजेंट नजरात या एजेंसी वगैरह बोल रही हैं इसकी जो वीज़ा रेशियो वो 90% है, तो इसके बारे में हमें बता दें जो आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ई सोल के ऊपर, मुकम्मल रियलिटी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DAhmed0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि आपको पता है आपका भाई इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ाज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता रहता है। आपको बताऊँगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं, क्या तरीकाकार है, क्या क्या प्रोसेस है वगैरह वगैरह। तो वीडियो बिलिटी, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, वो भी आप मुझे बता दें। अब आप बात करते हैं ई सोल, ESOL, जो ये वीज़ा है ये क्या होता है जो यूके का। एक्चुअल में जो ई सोल वीज़ा है वो है इंग्लिश कोर्स के ऊपर। ये अब कुछ एजेंट्स या एजेंसी इसको बोलते हैं कि 1 ईयर का वीज़ा होता है। एक्चुअल में ये 1 ईयर का वीज़ा नहीं होता, ये 8 से 9 मंथ का वीज़ा होता है। ये होता है इंग्लिश का कोर्स होता है। आप यूके के अंदर आप जाते हो एक, ना तो ये यूनिवर्सिटी का होता है, ये यूनिवर्सिटी का भी नहीं होता, ये एक प्राइवेट कॉलेज का होता है जो जिसकी वीज़ा रेशियो भी बहुत कम है, तो उनके अंदर ये कोर्स होता है, तो ये इंग्लिश कोर्स होता है। तो ये तो इसकी जो वीज़ा रेशियो है इस वक्त बहुत कम है, लेकिन एजेंट साहब बोल रहे हैं कि इसकी वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके बारे में अगर बस थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता हूँ, ये ना तो एक्सटेंडेबल होता है ना ही ये कन्वर्टेबल होता है। इसकी जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत कम है, वो लगभग 30% है। शुरू शुरू में ये सच है, शुरू शुरू में बहुत सारे ये वीज़ा लोगों को मिले हैं, लेकिन अब इस वक्त कोई नहीं है। इसके अगर आप इसके ज़रिए जाओगे तो आपका एक तो रेपुटेशन आपकी ख़राब होगी, और आपको वीज़ा जो लगने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, और आपके पैसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो ज़ाया हो जाएंगे। एजेंट हज़ार जो 27 से 30 लाख इसका जो लोगों से ले रहे हैं, लेकिन उनके जो पैसे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। आपने ये वीज़ा नहीं लेना, ई सोल वीज़ा आपने अगर लेना ही है तो अपने किसी दूसरे कोर्स के ऊपर लेना है, और किसी जो अच्छी यूनिवर्सिटी के ऊपर लेना है जहाँ की वीज़ा रेशियो भी अच्छी हो और आपकी रेपुटेशन भी अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपने दोस्त अहमद को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।